हेलो एवरीवन, आई एम पूजा मिश्रा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर्स इन मेंस एग्जामिनेशन वेदर इट इज़ यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जामिनेशन और अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन्स मेंस एग्जामिनेशन तो आपको सबको पता है कि जो मेंस एग्जाम होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है यही डिटर्मिन करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं फाइनल सिलेक्शन और अगर सिलेक्शन होगा तो आपकी रैंकिंग कैसी होगी इसीलिए मेंस आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू तो क्लियर दिस एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स अब एक अच्छा आंसर कैसे लिखें क्या होता है एक गुड आंसर और इसको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए यही इस वीडियो में हम बात करेंगे तो सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है और उसका आंसर आपको लिखना है तो आपको सबसे पहले उस आंसर का स्ट्रक्चर बनाना है अब उस स्ट्रक्चर में क्या होता है उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है देन बॉडी एंड देन कंक्लूशन आप अब आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखें आप किसी भी क्वेश्चन uh, का जब आंसर करें तो उसके इंट्रोडक्शन में आप उस वर्ड का डेफिनेशन डाल सकते हैं सपोज कीजिए अगर कोई क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन पे तो आप ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं या आप कोई फैक्ट्स देखकर भी अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं सपोज अगर कोई क्वेश्चन है जो पॉवर्टी हंगर माल न्यूट्रिशन इससे रिलेटेड है तो आपने जनरल स्टडीज़ में uh, पढ़ा होगा कोई फैक्ट्स आपको याद होगा तो आप वो फैक्ट्स देख भी अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होगा आपके आंसर के लिए देन कम्स बॉडी अब बॉडी मेन कंटेंट होता है यहाँ पे आपको वो लिखना है जो एक्चुअल क्वेश्चन की डिमांड है जो क्वेश्चन में पूछा गया है देन कम्स कंक्लूजन अब कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह आपका फाइनल पार्ट होता है आंसर का और एक वो लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है एग्जामिनर पर तो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए कंक्लूजन हमेशा वे फॉरवर्ड होना चाहिए ये आपके ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को शो करना चाहिए कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के हैं तो आपको कंक्लूजन इस तरीके से लिखना है इसमें नाउ वी विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग एन आंसर कोई भी आंसर लिखते टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है सबसे पहली बात रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी का आंसर करना है ना कि जो भी आपने पढ़ा है जो भी आपको आता है वो लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और जो भी पूछा गया है बस उसी का आंसर लिखें सेकेंड अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन में दो या तीन पार्ट्स भी होते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे पार्ट्स को आंसर करना है थर्ड केयरफुल ऑफ कीवर्ड्स लाइक कमेंट एग्जामिन एलेबोरेट एक्सेट्रा अब आपने जब भी क्वेश्चन देखा होगा क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का तो उसमें ये कीवर्ड्स होता है कमेंट एग्जामिन इलेबोरेट एनालिसिस क्रिटिकली एनालिसिस ये सारे जो कीवर्ड्स हैं इनका डिफरेंट मतलब होता है दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स तो आपको अपना आंसर इसी के अकॉर्डिंग लिखना है अगर कमेंट है तो आपका आंसर लिखने का स्टाइल डिफरेंट होगा अगर एनालाइज या क्रिटिकली एनालाइज है तो आपको डिफरेंट स्टाइल से उस आंसर को लिखना होगा नेक्स्ट इज गिव बैलेंस्ड व्यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको जो भी आप व्यू पॉइंट लिख रहे हैं आपको विथ एग्जाम्पल तो उसको लिखना है विथ फैक्ट्स आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं बट आपका जो भी व्यू पॉइंट होगा वो बैलेंस्ड होगा आपको uh, दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स भी वहाँ पे शो करनी होगी प्रॉज एंड कॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पर आपका जो भी व्यू पॉइंट होगा वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए नेक्स्ट इज बी ऑप्टिमिस्टिक इन राइटिंग कंक्लूजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप कंक्लूजन लिखें तब आपको ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखना है नेक्स्ट इज वेर एवर पॉसिबल आपको कोई डायग्राम ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट बनाना है आप जोग्रफ़ी के पेपर में हिस्ट्री के पेपर में इसको बहुत ईजीली कर सकते हैं इनफैक्ट जो जी एस पेपर थ्री होता है इकॉन्मिक्स इकॉनमी का उसमें एग्रीकल्चर या डिफरेंट जो, जो चीज़ें हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आप इंडिया का मैप ड्रा करके वेरियस रीजन आप दिखा सकते हैं कहाँ पे क्या क्रॉप का प्रोडक्शन होता है कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है तो जहाँ पे पॉसिबल हो ट्राई टू मेक अ डायग्राम वर्ल्ड डायग्राम, इंडिया का डायग्राम, फ्लो चार्ट तो इससे आपका जो आंसर होगा वो बाकियों के आंसर से एक डिफरेंट uh, वो दिखेगा और इससे आप डेफिनेटली हर क्वेश्चन में आप हर क्वेश्चन में हाफ से एक नंबर आप ज़्यादा पा सकते हैं नाउ लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स फर्स्ट keyword is इज़ कमेंट कई बार क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया होता है और हमें कहा जाता है कि उसमें कमेंट करने को तो क्या मतलब होता है कमेंट करने का अगर कमेंट दिया गया है तो इसमें हमें सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट अबाउट द मेन इश्यूज कि मेन इश्यूज क्या है किसी भी दिए हुए प्रॉब्लम में सेकेंड द मेन पॉइंट्स ऑन द सब्जेक्ट एंड गिव योर ओपिनियन तो हमें मेन पॉइंट्स तो लिखने ही हैं साथ में अपना ओपिनियन भी देना है बट ओपिनियन देने के साथ ही हमें लॉजिक देना है एंड एविडेंस के साथ अपने पॉइंट को सपोर्ट करना है डिस्कस इज द नेक्स्ट की वर्ड विच इज़ ऑफन गिवन इन द यू पी एस सी क्वेश्चन सो वॉट इज डिस्कस इट्स अ टाइप ऑफ रिटर्न डिबेट So, here we have to write both advantages and disadvantages with reasoning and evidences, and accordingly, we have to arrive at a conclusion. The next keyword is describe. So, here we have to write the main characteristics or features of any given topic or issue. We have to write the main events and then evaluate, and we have to form. आवर ओपिनियन द नेक्स्ट की वर्ड इज एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन सो हमें इसमें क्या करना है हियर वी हैव टू डू क्लोज या डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द गिवन इश्यू वी हैव टू इंस्पेक्ट समथिंग इन डिटेल प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ टॉपिक विथ रीजन्स एंड देन वी हैव टू राइट द की इफैक्ट्स और we have to also explain the different ways they could be construed next is explain so when keyword explain is given what we have to do we have to give detailed account of the issue we have to write with clarity so that the sequences of events can be understood but here also we have to provide our answer or whatever stand we are taking with relevant reasons. The next keyword is justify. So if question is asking about to justify some statement, so we have to give proper logic reasons and very important with examples we have to support our position. The next keyword is elaborate. तो जब इलेबोरेट दिया गया है क्वेश्चन के एंड में तो हमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी है जो भी टॉपिक पूछा गया है या जिस भी इशू के बारे में बात हो रही है उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है नेक्स्ट इज इलेस्ट्रेट इट इज सिमिलर टू एक्सप्लेन बट वी हैव टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल्सो वी हैव टू गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इशू

उस आर्ग्यूमेंट के फॉर और अगेंस्ट में लिखना है द नेक्स्ट इज क्रिटिकली एनालाइज तो क्रिटिकली एनालाइज में भी हमें इन्वेस्टिगेट करना है एंड एक्सप्लेन करना है उस टॉपिक को उस दिए हुए इश्यू को वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिटिकली एनालाइज आपको दोनों साइड उस कॉन्सेप्ट का दोनों साइड लिखना है बोथ प्रॉज एंड कॉन्स एंड देन जो भी आप स्टैंड लें अपने आर्ग्यूमेंट का आपका जो भी आ, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड आप जो भी जिसका भी स्टैंड ले आपको विथ एग्जांपल विथ एविडेंस आपको उसको सपोर्ट करना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ वी कम टू द कीवर्ड कंपेयर तो जब कंपेयर दिया होता है क्वेश्चन में तो इसमें ध्यान रखिए कि हमें सिमिलैरिटीज तो लिखनी ही है डिफरेंसेस भी लिखने हैं कॉन्ट्रास्ट ये भी एक कीवर्ड है अगर कॉन्ट्रास्ट दिया गया है तो इट इज सिमिलर टू कंपेयर बट मोर एम्फेसिस ऑन द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द गिवन फिनमिन तो ये बहुत सिमिलर है कंपेयर से बट इसमें हमें क्या करना है ज़्यादा एम्फेसिस डालना है डिसिमिलैरिटीज पे नेक्स्ट इज क्रिटिकली इवेल्यूएट सो हियर वॉट वी हैव टू डू गिव योर वर्डिक्ट as to what extent a statement are true or to what extent you agree with them but in doing so you have to provide evidence for both sides of argument and then up to a final conclusion pe aana hai depending upon your judgment and very important thing you have to provide justification for your choice